फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल से फूडी रे एंड राजी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी, डेलिशियस और कलरफुल ढाबा स्टाइल वेज पनीर जालफ्रेजी की रेसिपी लाई हूँ। वेज जालफ्रेजी एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर रेसिपी है और जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी ढाबे पे जाते हैं, इसे जरूर ऑर्डर करके हम इसको एंजॉय करते हैं। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज होते हैं, पनीर यूज होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस होता है। वेज पनीर जालफ्रेजी को आप किसी भी रोटी या नान या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए मेरी बहुत ही इजी ढाबा स्टाइल वेज पनीर जालफ्रेजी की झटपट सी रेसिपी। Thank you.
कैसा लगा मेरा रेसिपी? वेज पनीर जालफ्रीजी बनाने के टाइम हमें थोड़े से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पनीर को हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई कर लेना है, नहीं तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो आसानी से टूट जाएगा मिक्स करते टाइम। तो अगर हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर ले पहले ही तो ये टूटता नहीं है। वेजिटेबल्स कुक करते टाइम ध्यान रखें कि वेजिटेबल्स को ओवर कुक ना करें, ये थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए बट उनका क्रंच मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही सॉगी बन जाएगा जो भाजी है और वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। आज की इस रेसिपी में मैंने मेरे घर पे जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थे उनको यूज करके बनाया है। आप चाहे तो इसमें बेबी कॉर्न, मशरूम या कॉलीफ्लावर या कैबेज, कोई भी वेजिटेबल आप ऐड करके बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो आप भी घर पे ये बहुत ही सिंपल सी वेज पनीर जालफ्रेजी को अपने घर पे बना के देखिए और मुझे बताइए कि कैसे बना। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में, और कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आगे मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कभी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक खाओ पियो दिल से, कीप वॉचिंग दिल से फूडी रे।